अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं आपको एक अपने भाई से मिलवाने लगा हूँ। तो पहले भी काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते रहे हैं, तो आप लोग उनको देखते ही होंगे। ये सैफ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज स्पेशली कोलैबोरेट कर रहा हूँ मैं हुसैन के साथ। बड़ी मुश्किलों से मुझे भाई मिले हैं। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि कोलैबोरेशन करें, तो आज फाइनली भाई ने टाइम दिया है। बस ऑस्ट्रेलिया में दो चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, एक टाइम और एक फ्री टाइम। हाँ, टाइम ही नहीं है बस आपके पास। इधर आ जाएँ तो अपना टाइम आप भूल जाएं, बस बिजी, हर टाइम बिजी। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम भाई से करेंगे। फाइनली इन्होंने आके मुझे पकड़ लिया है, गाड़ी में आके हमला कर दिया, कहता है वीडियो बनानी है, क्लैब करना है। मैं कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम यार। मैं तो हर रोज़ करना चाहता हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जॉब्स, फिर आपको पता है यहाँ की फीसें, यूनिवर्सिटीज, क्लासेस, बंदे को नहीं। हाँ, ये तो सब साथ साथ ही चलता रहेगा। तो हम फुल टाइम यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं, पार्ट टाइम ही बन सकते हैं। बस आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम दे सकते हैं, बाकी फिर कभी जब लाइफ में थोड़ा सेटल हुए फिर पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम करेंगे। हुई, जब कोई शादी हुई इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फिर दुआ करें आप फुल टाइम यूट्यूब करेंगे और आप फुल टाइम गाइड करेंगे, फिर आप जो कहेंगे ना आपको ऑस्ट्रेलिया में हम दिखाएंगे। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं उस पर, डिलीवरी जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो उबर ईट्स पे। अभी आपको भाई भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। भाई करते हैं कार के ऊपर उबर ईट्स, और मैं कर रहा हूँ साइकिल के ऊपर। तो जो उनका एक्सपीरियंस है कार पे, वो आपको कार का एक्सपीरियंस बताएंगे, और जो मेरा एक्सपीरियंस है साइकिल पे, तो वो मैं आपको अपना बताऊंगा। तो पहले सैफ भाई से स्टार्ट करते हैं। तो कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस कार पे? थोड़ा सा मेन शुरू करना। अच्छा, मैं ना इधर कैमरा रखता हूँ सामने, ताकि एंगल ठीक आ जाए। हाँ चलें जी। तो सीन ये हुआ है कि हम घंटा हो गया मेरे पास आया हुआ, सोच के ना कि टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो फिर हमारे पास जो एंड पे टॉपिक जो हमने कंक्लूड किया वो यही किया कि ये साइकिल पे ओबेस करते हैं, हम गाड़ी पे, और आज कंपैरिजन करेंगे और अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। और मैं सबसे पहले बता दूं, मैं हवाई बातें नहीं करना चाहता हूँ, आपको दिखा के बातें करना चाहता हूँ। आज हम सच्चाई बता देंगे सबको। तो ये मैं अपना नाम छुपा रहा हूँ, मैं अपना नई चीज़ें वगैरह नहीं बताऊँगा। आप देख लें, 3280 डिलीवरीज हैं एंड आई एम डूइंग ओबेस फ्रॉम 2 ईयर्स। सबसे पहले मैंने साइकिल के ऊपर की थी, और ये पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि सही नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे वो मैं दिखा दूंगा वीडियो के अंदर। चलें, ये स्क्रीनशॉट डाल देगा आपके लिए ना, तो बाकी नाम शाम मेरा चबा लेना, ठीक है? मैं लोगों को नहीं बताता हूँ सारी चीज़ें। तो ये मैं 2 साल से बीट्स कर रहा हूँ, जिस एरिया में ये कर रहा है उसमें भी की है मैंने, फिर पेनरिथ में भी की है, ब्लैक टाउन में भी की है। तो ये बाई जोनस है, मोंड्यूट में रहता है, तो मोंड्यूट में मैंने की हुई है, लेकिन उसके ये मोंड्यूट से बाई नहीं किया, क्योंकि साइकिल का जो जोन होता है वो लिमिटेड होता है, गाड़ी का पूरा जोन कवर हो जाता है, क्योंकि गाड़ी भी इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं एक सबब से दूसरी सबब, बट साइकिल में पॉसिबल नहीं है। तो मेरी जो सबसे पहले अकाउंट था वो मेरा साइकिल का था। साइकिल का तब ये सीन था कि साइकिल का गाड़ी पे भी चल जाता था, ओवरसीज़ लाइसेंस पे यू कैन ड्राइव, बट गाड़ी का अकाउंट ओवरसीज़ लाइसेंस पे नहीं बनता था। तो मैं सबसे पहले जब उबर ईट्स की, साइकिल के अकाउंट को मैंने गाड़ी पे चलाया। गाड़ी, ये जर्नी बड़ी लंबी है, मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो अपलोड की हुई है। 1250 की मैंने गाड़ी ली थी, कार ली थी, तो उस पे मैं करता होता था, और मैंने कोई आई थिंक 800 ट्रिप्स की होंगी गाड़ी साइकिल के अकाउंट पे। बट फिर एक ऐसा मोड आया, ऐसी चेंजिंग आई, इधर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पहले थोड़ी लिनिट होती हैं, जब इन्हें पता चलता है कि देसी जुगाड़ मार रहे हैं तो फिर ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रूल चेंज कर देते हैं। पहले साइकिल वार्निंग देते थे कि आपका कौन जोन सा ना डिलीवरी बड़ी स्पीड से हो रही है और आप साइकिल का कौन गाड़ी पर चला रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वार्निंग देते थे, कौन ब्लॉक नहीं थे करते। एट दी एंड फिर उन्होंने आज से कोई आई थिंक 8 मंथ्स पहले के एक साल पहले ये इन्होंने अकाउंट ब्लॉक करना शुरू कर दिए। 3 वार्निंग होती थी, उसके बाद अकाउंट ब्लॉक हो जाता था, साइकिल अकाउंट फिर दोबारा खुलते नहीं था। तब खुलता था सिर्फ अगर आप लाइसेंस दें, गाड़ी का अकाउंट बनवाएं, आप सिर्फ गाड़ी पर चला सकते थे, साइकिल अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाता था। तो तब ये कंसेप्ट भी नहीं था, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल नहीं थी। मैंने जब साइकिल अकाउंट बनाया तो मुझे तो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल का नाम तक नहीं था पता, जितनी आज के दौर में इस टाइम में जितनी इजीली असेसिबल हैं इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, तब पहले नहीं थी। तो इसीलिए साइकिल के अकाउंट सारे बना के गाड़ी पर ही चलाते थे, और फिर मैं अपना अकाउंट चलाया कोई 7-8 माह चलाया, उसके बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया और फिर मेरे उबर्स का ब्रेक आया। वरना मैं 2 साल से इधर हूँ, और मैंने हमेशा उबर्स को पार्ट टाइम
अपने साथ सेकंड ऑप्शन लाजमी रखा है, क्योंकि इससे मैं अपना फ्री टाइम इजीली कैश कर सकता था। अपने ये फ्री टाइम को आप इजीली कैश कर सकते हैं, अगर आपकी क्लास नहीं है, अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपकी छुट्टी हो गई है, आप कोई 7-11 कर रहे हैं, उससे शिफ्ट नहीं मिली है, तो उबर ईट्स करो। उबर ईट्स 24/7 आपके पास अवेलेबल होती थी, तो इसीलिए मैं उबर ईट्स को हमेशा साथ रखता था और मुझे बड़ी ईजी जॉब लगती थी और फ्रेंड्स बड़े बनते थे मेरे। फिर एक बाहर घूमने का मुझे मौका मिलता था, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे जाता था और मुझे काफ़ी इस एरिया का भी पता चल गया सिर्फ उबर ईट्स की वजह से। इसी तरह तो जो मेन अब चीज़ें थी ये मैंने थोड़ा बेसिक बता दी, ज़्यादा ही मैं डीप चलेगा जिसकी वजह से वीडियो लंबी भी हो जाएगी, लेकिन जो मेन टॉपिक है हमारा वो कंपैरिजन करना है। तो ये पहले ये बताएगा चीज़ें जो साइकिल पे उबर ईट्स करता है। उबर ईट्स की पहले सबसे पहले तो आप साइकिल की रिक्वायरमेंट लोगों को बता दो कि क्या रिक्वायरमेंट है साइकिल अकाउंट के लिए। अच्छा देखें, सबसे पहले आपने जब सेटअप करना है अपना अकाउंट, तो कुछ जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी, जैसे आईडी कार्ड हो गया आपका, फ़ोटो आईडी कार्ड, वो ऑस्ट्रेलिया में ही आपका बन जाता है। फिर आपको चाहिए अपना जो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है वो चाहिए आपको, बस इस तरह की 2-3 रिक्वायरमेंट्स जो आपके पास होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, बस वो चाहिए आपको, कोई स्पेसिफिक लाइसेंस नहीं चाहिए। उसके बाद आपने ऑनलाइन सिर्फ एक ड्राइविंग लाइसेंस देना होता है, टेस्ट होता है, एक ड्राइविंग टेस्ट होता है साइकिल का भी, ऑनलाइन ही होता है वो, तो वो बस आपने फिल करना है, तो आपका जो ड्राइवर का होता है अकाउंट वो ओपन कर देते हैं। उसके बाद आपको चाहिए, आप कार वैसे आप सिंपल बाइसाइकिल पर भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक पे भी कर सकते हैं, पर ये है कि जो सिंपल बाइसाइकिल है इधर ना काफ़ी स्लोप्स हैं, तो आप जो पैडल असिस्ट होती है ना उसके ऊपर आप नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल होती है, तो डिलीवरीज लेट होती हैं, कस्टमर डिसलाइक्स देते हैं आपको, फिर आपको ज़्यादा डिलीवरीज नहीं मिलती, इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स को। तो वो रेंट पे भी मिल जाती हैं और आप अपनी भी बाई कर सकते हैं। वैसे लोग यही प्रेफर करते हैं कि स्टार्टिंग में आते हैं तो रेंट पे ले लेते हैं बाइक, तो उस पे स्टार्ट करते हैं। जब मैं आया था मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो मैंने भी कोई इधर उधर कोई जॉब ढूंढी, मैंने सबसे पहले ये किया कि आते ही मैंने अपना अकाउंट ओपन किया, तो मेरा तकरीबन विद इन 14 मेरा अकाउंट ओपन हो गया और मैंने रेंट पे ले के बाइक, तो अपना जो उबर का अकाउंट था वो स्टार्ट किया। साहब भाई आप बताएं पहले कि गाड़ी के क्या मतलब प्लस पॉइंट क्या है इसके गाड़ी पे उबर ईट्स करने के। हाँ, तो जो इसने रिपीट की चीज़ें मैं उसके आपको कंक्लूड भी कर देता हूँ। साइकिल के अकाउंट के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, ना पाकिस्तानी लाइसेंस चाहिए, ना ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस चाहिए। साइकिल आप विदाउट लाइसेंस किसी भी दुनिया के कोने में चला सकते हैं, उसके लिए बेसिक स्किल चाहिए होती हैं, और हर बच्चे और पाकिस्तानी जो भी इंडियन आएगा उसे साइकिल चलानी आती है, कोई ऐसा आजकल के दौर में बच्चा नहीं है। बस ये है कि आप लोग ना इधर के जो रोड रूल्स हैं वो देख लें कि आपने मतलब जो है पेडेस्ट्रियन जो लेन है उसके ऊपर नहीं चलाना, जो बस जोन है उसके अंदर आपने साइकिल नहीं लेके जानी, और जो कुछ होते हैं इधर 60 के जोन होते हैं या 80 का जोन होता है उसके अंदर आपने बाईसाइकिल नहीं बस लेके जानी। ये कुछ रूल्स होते हैं जो न्यू साउथ वेल की जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने सारे रूल्स दिए हुए हैं, तो उससे आप एक दफ़ा गो थ्रू करें तो आप इजीली आप चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है ज़्यादा। ये बहुत बेसिक है, हम कोशिश करेंगे इसके लिए ना सेपरेट वीडियो बना दें एक रूल्स के लिए। आप साइकिल जब आएंगे ना, अगर आपको पहले से चलानी आती है आप इजीली चला सकते हो। इवन अभी लड़कियां भी उबर ईट्स करती हैं इलेक्ट्रिक बाइक। हां मैं देखा है इधर मेरे साथ काफी कारी होती है ना लड़कियां भी आजकल, तो इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लाइसेंस की। बस आइडेंटिटी जो इसने पहले कहा, वीज़ा होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, आपका पासवर्ड होना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है बताने की, वो सारे सबके पास होते हैं और जब वो आपसे मांगेंगे वो पकड़ के आप अपना दे दें, सिंपल। और एक मैं चीज़ जो मैंने बहुत ना रियलाइज़ की है कि लोग ना समझते हैं कि उबर ईट्स के लिए आप इनके ऑफिस में दो सिडनी के और सिडनी में दो ऑफिस है उबर ईट्स के, एक ग्रीन लाइट में है और एक मुझे हाँ एक और कहीं है, मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अगर गूगल पे सर्च करें ना उबर ईट्स ऑफिस इन सिडनी तो 2 लोकेशन आती हैं, तो बहुत लोग समझते हैं कि हमें उधर जाना पड़ेगा, तो वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, फिर पैसे लगाते हैं उधर ट्रैवल करने के लिए। तो सिंपल चीज़ ये है कि आप उबर ईट्स ड्राइवर ऐप लिखें प्ले स्टोर में, उसे डाउनलोड करें और घर बैठे साइन अप कर सकते हैं। इवन अभी कोरोना वायरस की वजह से पिछले 4 से उबर ईट्स के दोनों ऑफिस बंद हैं, अब सिर्फ ऑनलाइन घर बैठ के ही कौन बनते हैं, आपको उनके ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। न्यू अपडेट आई है, मैंने कुछ दिन पहले मुझे मेल आया कि ये जितने भी इनके ऑफिस हैं ये परमानेंटली बंद कर रहे हैं, अब कोई भी इनका ऑफिस नहीं होगा, अब जितना भी इनका काम होगा सब ऑनलाइन होगा, और कस्टमर सर्विस भी है जो भी, आप बस इनको ऐप के थ्रू ही आप इनको कॉल करेंगे और ऐप के थ्रू ही सारा काम होगा। मतलब आप अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको उधर से ही आपको एक्टिवेट कर देना चाहिए, ताकि आपके आते आते सारा कुछ इधर आते ही एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि इधर आके आप एक्टिवेट करेंगे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई तकरीबन 14-15 दिन लग जाते हैं आपको ये अकाउंट को स्टार्ट करते करते, तो बेहतर यही है कि आप उधर अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप उधर से ही इसको एक्टिवेट करके तो फिर इधर आए।
ये इसका वैसे आइडिया सही है, लेकिन मुझे नहीं पता ये वर्कआउट करता है, क्योंकि तुमने किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है किसी ने कोड पहले ही सही, क्योंकि आपको चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो होता है आपका वीज़ा होता है और वीवो चेक होता है, तो वो सारा कुछ होता है ऑनलाइन, वो आपका ऑनलाइन हो सकता है। सिर्फ एक चीज़ है जो आपकी एज कार्ड होती है, एज कार्ड और फोटो आईडी कार्ड जिसको कहते हैं। लड़के मेरे दोस्त ने उस पे एज कार्ड पे पाकिस्तान का आईडी कार्ड चलाया हुआ, वही कह रहा हूँ ना, एज कार्ड बेसिकली होता ये है कि आपकी एज बतानी होती है, वो ज़रूरी नहीं कि आप ऑस्ट्रेलियन लगाएं जहाँ कभी लगाएं, आप पाकिस्तानी भी अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है अगर वो भी आप लगाएं तो आपका हो सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान में ही साइन अप करके तो इधर आएँ, बस मसला ये होगा कि आपका चलेगा इधर आके, पाकिस्तान में नहीं चलेगा क्योंकि पाकिस्तान में जारी बात है वो रिश्त नहीं है, तो आप साइन अप उधर कर लें, लेकिन आप इधर आके जब भी आप आएँ तो आप इधर आके आप यूज़ कर सकते हैं उसको। हाँ, तो ये आपने लाजमी काम करना है उधर से ट्राई करें, अगर नहीं होता है क्योंकि मुझे हाँ, प्रैक्टिकली इस चीज़ के लिए बताया उसका ट्राई कर सकते हैं वैसे हाँ, आप कोई इशू तो नहीं है ट्राई करने में, तो अगर वो उधर से होता है तो वेल एंड गुड, वरना आते सारी जिस दिन आप लैंड होना है उबर ड्राइवर की ऐप करें और ये काम आपने लाजमी करना है। मेरे यूट्यूब पे आई थिंक 6 से 7 वीडियोज़ ये उबर ईट्स पर ही होंगी और मैं बोलता रहता हूँ जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, प्लीज़ सबसे पहला जो काम करना है उबर ईट्स का अकाउंट बनाना है। आप अपने 7 days 24 hours उसके आप जब भी फ्री हो आप उबर ईट्स कर सकते हैं, और मैंने 2 साल हो गए और मैंने हमेशा उबर ईट्स को अपनी पार्ट टाइम जॉब लाजमी रखा है, ऑप्शन अपने पास लाजमी रखा है। और अब जो इसने साइकिल का बताया, अब मैं गाड़ी का थोड़ा सा बता देता हूँ। जो गाड़ी का अकाउंट था मुझे उसके लिए फुल ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए था और मैंने अपना न्यू साउथ वेल्स में फुल ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनाया और वो मैंने अपलोड किया, फिर मेरा अकाउंट गाड़ी का खुला, साइकिल का मेरा ब्लॉक हो गया था क्योंकि मैंने साइकिल का गाड़ी पर चलाया था। तो जब मैंने लाइसेंस दिया फिर मेरा खुला, फिर मैंने उबर ईट्स जो गाड़ी पर थी वो करना शुरू की। जो डिफरेंस था साइकिल पहले भी मैं मतलब सेम ही कर रहा था कि मतलब साइकिल का अकाउंट था लेकिन गाड़ी पे करता था, लेकिन अब गाड़ी का अकाउंट गाड़ी पे ही कर रहा था, तो साइकिल पे मैंने की नहीं। एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ गाड़ी का ही है। हाँ, गाड़ी का ही है। साइकिल का है था, एक दिन ली थी, वो तब इलेक्ट्रिक बाई साइकिल नहीं थी तो वो इतनी स्लोप्स है, पैडल सीट नहीं थी, इलेक्ट्रिक नहीं थी, सादी साइकिल थी, एक दिन चलाई मैंने दूसरे दिन बेच दी, मैं ये मैं नहीं कर सकता, मैं इतना पैदल नहीं था थकता जितना साइकिल था चला के थक जाता। इधर आपको अगर कभी मैं दिखाऊंगा रोड्स ना बिल्कुल इस तरह हैं, स्लोप्स हैं बिल्कुल, तो नीचे तो आप आ जाएंगे लेकिन जब ऊपर चढ़ना पड़ जाए आपको और पीछे इतना वो हैवी बैग हो उसमें फूड भी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको ना इस तरह ऊपर लेके जाना बाइक को। एक तो आप लेट हो जाते हैं ऊपर से, फिर जो कस्टमर होता है फूड भी ठंडा हो जाता है, वो डिसलाइक दे देता है आपको, और आपके अगर इकट्ठे डिसलाइक्स आए तो आपका जो उबर होता है वो अकाउंट भी बंद कर देती है। हाँ, इससे बेहतर ये है कि आप जो है इलेक्ट्रिक बाइक ले लें ताकि कम से कम आप फूड तो यार मुझे नहीं पता ये उस टाइम ऑप्शन नहीं थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन कुछ मेरे दोस्त उस टाइम में मुझे बताते थे कि वो सिटी में इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल यूज़ करते हैं और वो फुल टाइम ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी कुछ हुआ है टाइम के ये इलेक्ट्रिक बाइक्स आई हैं, और मैं अभी देख रहा था कि ये इस ड्यूरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा अभी तक की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो सेल हुई हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में कोरोना में, क्योंकि हर बंदा इस पे आ रहा है, हर बंदा उबर ईट्स और वो भी साइकिल पे, क्योंकि साइकिल का काम बड़ा अच्छा चल रहा था आजकल, इस वजह से साइकिल इलेक्ट्रिक अगर आप आएँ तो ईजिली आपको मिल जाती है, कोई इतना इशू नहीं है, आप बस बॉन्ड जमा करवाएं और आप साइकिल लें और आप यू आर गुड टू गो। हाँ, और अभी जो मेरा गाड़ी का अकाउंट है तो गाड़ी पे करता हूँ तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, मतलब मैं आता हूँ ऐसे जैसे घर से हैंग आउट कर रहा हूँ, सच्ची बात करूँ मैं जो रियलिटी वो बता रहा है बिल्कुल। इसने अभी ऑब्जर्व भी किया है, पहले गाड़ी में इसने कभी देखा नहीं को बीट्स कैसे करते हैं, बट ही वॉज विद मी फॉर लास्ट आवर, तो ये कहता है कि यार ये तो आपकी तो अलग ही सीन है, बड़े मज़े की कम्फर्टेबल। मतलब मैं आपको थोड़ी बताता हूँ ना कि क्या सीन होता है। देखिए जब आप निकलते हैं साइकिल पे, सबसे पहले आपको जो इशू होता है वो होता है मौसम का, ठीक है। अगर इधर गर्मी है तो आपको पता है कि आप इमेजिन कर रहे हैं अगर लाहौर की गर्मी है तो मतलब इंसान ऐसे धूप में चल नहीं सकता, ठीक है। और ऊपर से आप काम कर रहे हो वो भी साइकिल के ऊपर, तो खुद ही अंदाज़ा लगा लें आपकी क्या हालत होगी, ठीक हो गया वो भी चले आप अगर बर्दाश्त कर लें। सेकंडली होती है इधर बारिश बहुत, सिडनी का मौसम का कोई पता नहीं, कभी बारिश शुरू हो गया कभी धूप निकल आई कभी कुछ, तो बारिश बहुत होती है और ऊपर से आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है और जब आप फूड लेके जा रहे होते हैं ऊपर आपके ऊपर कोई शेल्टर नहीं होता तो फूड भी गीला हो जाता है, कस्टमर फिर दे देता है डिसलाइक, तो एक ये इशू होता है, ठीक है। फिर तीसरी होती है इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा, इधर जो एरिया वो है जंकीज का, ठीक है, वो जो देखते हैं ना साइकिल वालों को उनको होता है कि बस इनको हम पकड़ लें, इनसे चीज़ें छीन लें हम, ठीक है। तो हर बंदा उनको छेड़ेगा, हर बंदा उनसे लड़ेगा, तो ये बड़ा इशू होता है। अब देखें कार का क्या है, आपने बस ऐप ऑन करना है, कार में बैठना है एंड यू आर गुड टू गो, ना आप थकेंगे इसमें क्योंकि आपका फ्यूल लगना है, आप जितना टाइम मर्जी करें इसके ऊपर आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकेंडली आप
दिन है रात है जिस टाइम मर्जी है आप इसको कर सकते हैं, आपको कोई बंदा छेड़ेगा नहीं कार के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको स्पीड से लेके भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब जंकी आपको तंग नहीं करेंगे। और थर्डली आपको वेदर का भी कोई इशू नहीं है, बारिश हो रही है कुछ भी हो रहा है आपके ऊपर शेल्टर है, बस आप गाड़ी में कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये फ़र्क है दोनों का, साइकिल का और कार का। और सबसे ज़्यादा कोई चीज़ को ये समझा सकता है तो ये बंदा समझा सकता है, क्योंकि साथ इसके साथ काफ़ी ट्रेजेडी हुई है। वो इसकी एक दफ़ा साइकिल भी छीनी गई थी और एक दफ़ा चोरी हो गई। एक दफ़ा जब छीनी गई तब तो इसे वापस मिल गई, पुलिस ने हेल्प करके सॉर्ट आउट कर दिया था। हाँ वो तो इशू हो गया था सॉर्ट आउट तो, लेकिन दूसरी दफ़ा इसकी साइकिल चोरी हो गई, इसे $1500 का नुकसान हुआ। इस ये इस बंदे से ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये मैं ना इस पर सीरीज बना रहा हूँ ऊबर के ऊपर, साथ साथ आपको मैं थोड़ा गाइड भी करता रहूँगा कि किस तरह साइकिल पे करते हैं ऊबर ईट्स और किस तरह मेरी चोरी भी और किस तरह आपने इनसे बचना भी है, क्योंकि ये सिर्फ इस एरिया में नहीं है, ये पूरे सिटी में है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपको इनके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ी ट्रिक्स वगैरह भी बता दूंगा कि आपने किस तरह इनसे बचना है, क्या कोई सिस्टम है, अगर आपको कोई इशू हो जाता है तो आपने किस तरह पुलिस को कॉल करनी है, आपने ये सारी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, तो मैं ये सारा आपको ना ये सीरीज में बताता रहूँगा साथ साथ। तो अभी तो फिलहाल तो बस मैंने कंपैरिजन टाइप वीडियो बनाई थी कि कार पे और बाइसाइकिल के ऊपर क्या होता है कंपैरिजन इसका, और सेकंडली मैंने कहा कि सैफ भाई को अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करा दूं तो फिर नेक्स्ट वीडियोस पे फिर इंशाल्लाह आप भी इनको देखते रहेंगे, तो जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी ऊबर ईट्स पे भी और दूसरी भी, तो वो भी हम साथ में कोलैबोरेशन करते रहेंगे। बाकी इनके चैनल का भी लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग एक दफ़ा देखिएगा। वैसे मेरे से ज़्यादा तो मुझे लगता है इनकी वीडियोज़ ही देखते हैं लोग, तो मैंने तो अभी कुछ ही बस कोई 5-10 वीडियोस अपलोड की हैं। उसकी वजह ये है कि हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पे मुझे वैसे 2 साल हो गए, लेकिन मैंने 1 साल बाद यूट्यूब शुरू की थी, तो मतलब 1 साल से कर रहा हूँ, फिर वीडियोस इसके कंपैरिजन में मेरी 3 टाइम ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर ज़्यादा रीच है, नहीं तो वरना तुम्हारी वीडियोज़ अगर ज़्यादा हों तो तुम भी मेरे लेवल पर ही हो। हाँ इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है। तो मैं देखें अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे वीडियोस बनानी होती ना, तो मैंने कभी इधर से घूम फिर रहा हूँ तो वीडियोस बना रहा हूँ, कभी इधर घूम फिर रहा हूँ तो वीडियोस बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ देखें, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया आना था ना तो सिर्फ 2 बंदे थे जिनकी मैं वीडियोस देखता था, एक सैफ भाई थे और एक NSD व्लॉग्स थे, ठीक है। इनकी वीडियोस देख देख के मैंने आधे से ज़्यादा जो चीज़ें थी मुझे ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही पता थी कि इधर कौन कौन से स्टोर्स होते हैं, कहाँ से जॉब आपने फाइंड करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है इधर आने से पहले, कितना आपको आपके पास बजट होना चाहिए इधर आने से पहले। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ इस तरह का करूँ कि लोग देखें मेरी वीडियोज़ और उन वो इससे कुछ ना हेल्प ले सके मेरे से, ठीक है, ताकि जब वो इधर आए उनको वो सब तकलीफें ना लेनी पड़े जो दूसरे जो नए आते हैं जिनको नहीं पता होता वो सब लेते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं बस ये वीडियोज़ बना रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव, कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प जितनी मैं कर सकूँ वो मैं करूँ। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर स्पॉन्सर करेंगे। और सैफ भाई की भी आप वीडियोस देखा करें, उनके चैनल पे काफ़ी कंटेंट है, जितना भी आपको इधर आने की मतलब आपको हेल्प चाहिए, जितनी भी आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है सारी आप उनके चैनल से ले सकते हैं। हाँ तो ये थी और मेरा ये पहला क्लैप था इसके साथ फैन के साथ, तो इट्स रियली नाइस मीटिंग विथ हिम एंड ही बड़ी मुश्किल से भाई ने टाइम दिया मुझे। वैसे एक मैंने कुछ 3-4 दफ़ा भाई को पहले भी कह के कोलैबोरेशन करते हैं, तो आज फाइनली काबू आ गए हैं भाई। तो एक दिन मैंने कहा था तुम्हें, तो उस दिन बारिश हो रही है, मेरी गाड़ी का जो टायर था ना एक साइड वाला वो फुटपाथ पे चढ़ गया, याद है उबीट सी का मुझे बता रहे थे। तो फिर मैं उधर समझ नहीं आया, मेरा टायर जो सा रिम सारा टेढ़ा हो गया, मैं उस पर अपने चैनल पे लोगों को नहीं बता सका मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर वो मैंने टायर चेंज किया, तो मैंने इसको टाइम दिया हुआ था उस दिन हमने वीडियो बनानी, फिर वो मैं उस मुश्किल में पड़ गया, मैं गाड़ी घर लेके गया, पूरा दिन उधर ही गुजर गया टायर चेंज करने में, नया टायर लेके आया, तो फिर उस दिन क्लैब नहीं कर सका। फिर बाद में मेरी जॉब शुरू हो गई, फिर पता नहीं एक काम से दूसरा काम, तो फिर काफ़ी देर बाद फिर हमने क्लैब किया, आज फाइनली हो ही गया क्लैब। तो आई थिंक यू गाइस गोना लाइक दिस वीडियो, हमने बहुत मेहनत से और जो मैंने 2 साल में चीज़ें सीखी हैं आज मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में आपको बता सकूं और होनेस्ट होकर बताने की कोशिश की है, और उसने भी जो उसके साथ हुआ है और जो उसने आपको अभी जो मेरे साथ ट्रेजडीज हुई हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ, नेक्स्ट वीडियोज़ आती रहेंगी, तो इसी तरह आप देखते रहें सपोर्ट करते रहें। हाँ तो बाकी दोबारा मैं हमेशा पता नहीं मुझे आदत है कि बहुत लंबी बातें करता हूँ मैं, थोड़ी छोटी नहीं करता मैं, लंबी बात करता हूँ बात को। तो मैं जो इसने हमने पहले भी जो टॉपिक था मेन हमारा वो था कि कंपैरिजन करना, लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं किया, वो मैं करना चाहता हूँ कंक्लूजन एंड पे, वो ये है कि भाई जो गाड़ी पे कंफर्टेबल है और सेफ़ है, साइकिल पे जो कंफर्टेबल नहीं है और दूसरे नंबर पे सेफ़ नहीं है,
ठीक है। और दूसरा है कि पे रेट का भी डिफरेंस है, वो लोगों को नहीं पता होगा। जो साइकिल पे है ना और गाड़ी पे, गाड़ी वालों को $1 या 1.20 सेंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लेकिन $1.50 का फ़र्क आता है, ठीक है। और अगर एफिशिएंट फ्यूल मतलब पैसे की बात करें तो गाड़ी के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइकिल। साइकिल ने घर पे सिर्फ बिजली बैटरी चार्ज होनी है और उसकी सर्विस वगैरह भी नहीं, लेकिन गाड़ी का फ्यूल भी यूज़ होना है, रेजो के पैसे भी होने हैं, फिर उसके बाद इंश्योरेंस के पैसे भी होने हैं, फिर उसके बाद आपकी मेंटेनेंस सर्विस, गाड़ी का फ्यूल फिल्टर या इंजन ऑयल चेंज होता है, इसी तरह गाड़ी के खर्चे बहुत हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि साइकिल ये आपने रेंट पर लिया है तो आपको रेंट देना पड़ेगा वीकली। अगर आप ख़रीद लें एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपके पास मतलब वो जितनी देर आप इधर हैं आपके पास साइकिल, आप किसी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाड़ी पे ये है कि आपके खर्चे भी बहुत हैं, अगर आप कमाते हैं अच्छा हैं पर उसके खर्चे भी फिर उतने ही हैं गाड़ी पे। हाँ, तो मतलब सारी चीज़ें एक चीज़ के प्लस पॉइंट भी हैं और माइनस पॉइंट भी हैं, लेकिन अगर आप जो ओवरऑल आपको सूट करती है वो आपको करना चाहिए, लेकिन वरना दोनों ऑप्शन बेस्ट हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अपना ख्याल रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कोलैब में, और मेरे चैनल को भी चेक करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको भाई को फॉलो करें, और आई वांट यू गाइस के इसका वॉच टाइम और आपने 1K सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करने हैं। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब का सीन ये है कि 1 साल के अंदर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए ताकि मोनेटाइज हो सके। तो ये भाई इन मिडल ऑफ द प्रोसेस है, इनका साल पूरा होने वाला है। हाँ, तो अगर इसका वॉच टाइम ना हुआ तो फिर वो ड्यूरेशन दोबारा से, वो सब कुछ फिर दोबारा से मैंने मेहनत की है वो आप समझे गई। हाँ, मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा सारा। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका मतलब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और इसको कोशिश करूँगा मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्लैप कर सकूँ, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट अपलोड हो सके, और इसका जो एक टारगेट है वो पूरा हो सके। तो बाकी अपना ख्याल रखें और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।